हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो भाई चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा करके आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको छत के पंखे के इस स्टेटर के बारे में कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया है। तो सभी मिस्त्री भाइयों को पता है कि जब गर्मी का सीजन चला जाता है, सर्दी में बहुत ही ये इलेक्ट्रिकल का और वेंडिंग का काम है जो वो बहुत ही कम हो जाता है। और गर्मी शुरू होने से पहले ही भाइयों के पास है जो सीलिंग फैन है, जो वेंड होने के लिए आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी हमारे पास भी ये पहले इस सीजन के पहले दो पंखे वेंड होने के लिए आए हैं। दोस्तों, ये व्हाइट शीट कितने नंबर की होती है, ये कटी हुई कहाँ मिलेगी, कई शहर में ये है जो कटा हुआ पेपर नहीं मिलता है। तो अगर आप इस कटे हुए पेपर को ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो आपको ये कहाँ पे मिलेगा, उसकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। आप चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हो। और वेंडिंग मशीन से रिलेटेड हर प्रकार की वीडियो, अगर वेंडिंग मशीन तार तोड़ रहा है, वेंडिंग मशीन में पंखा अच्छे से वेंड नहीं हो पा रहा है, जो तार है वो पंखे के स्टेटर से है जो बाहर निकल जाती है, उस सब की जो इन्फॉर्मेशन है और उन उसको सुधारने के जो उपाय हैं वो मेरे चैनल पे हैं, जो बताए गए हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाकर आप उन वीडियो को जरूर देखें। तो आज की वीडियो में हम आपको इस दोनों सीलिंग फैन के पंखों का है जो वो डाटा बताएंगे। इस सीलिंग फैन पंखे की जो मोटाई है वो 15 mm है और इसकी मोटाई 20 mm है। तो ये 14+14 टोटल 28 स्लॉट का पंखा है। और दोस्तों, ये 16+16 टोटल 32 स्लॉट का जो सीलिंग फैन है। तो इसमें हमने अंदर भी 35 नंबर डाला है और बाहर भी इसमें 35 नंबर है जो वो तार कॉपर में डाला है। तो इसमें अंदर में 340 टर्न और बाहर में 360 टर्न दिए हैं। और इसमें भी हमने 35 नंबर कॉपर वायर डाला है और इसमें हमने अंदर में 320 टर्न और बाहर में है जो वो 345 टर्न है जो वो कॉपर के डाले हैं। तो इस प्रकार आप पंखे को वाइंड कर सकते हो। इसमें आप 36 नंबर भी यूज कर सकते हो। और अगर आपका स्टेटर ज़्यादा पतला है तो उसमें जितना स्टेटर की ये मोटाई है ये पतली होती जाती है, उतना वायर गेज है वो पतला होता जाता है। तो इस बात का आप ख्याल रखना। तो ज़रूर हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। आगे हम ऐसी मालूमाती वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।